नमस्कार, आप देख रहे हैं सलाम निशान जावेद अख्तर के साथ। अभी हम रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह के बंगले के पास खड़े हुए हैं। उनके बंगले के बाहर आज हम यहां पर उपस्थित हैं और यहां पर केशकाल से काफ़ी सारे भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, और वहां के दो बार के विधायक सेवक राम जी के समर्थन में आए थे। यहाँ पर मंडल प्रभारी और कुछ वरिष्ठ भाजपा के लोग उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि अगर भाजपा इस बार स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देती है तो निश्चित रूप से इस बार जो है परिणाम अलग हो सकते हैं। वहाँ पर बाहरी प्रत्याशी को देने को टिकट देने को लेकर और जो कि पूर्व आईएएस भी हैं उनको लेकर नाराज़गी लगातार सभी लोगों ने व्यक्त की है, और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री से निवेदन भी किया है कि इस बारे में विचार करें। वहीं वहाँ के एक वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता हैं। देखिए, केशकाल विधानसभा में चार मंडल होते हैं, चार मंडल के मंडल अध्यक्ष, दो मंडल अध्यक्ष तो नहीं आ पाए, तबीयत खराब है, और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और हमारे जिला के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजनेता मैं से करके सब लोग हम लोग आए, क्योंकि चुनाव का बिंगुल बज चुका है, टिकट तो अभी किसी का फाइनल नहीं हुआ है। तो हम लोग सब एक हमारे मन में विचार आया कि भाई क्यों ना हम एक बार शीर्ष ने हमारे प्रदेश के शीर्ष नेता लोग हैं उन्हें इस विधानसभा का जो समस्याएं उनको अवगत करवा दें, और विस्तार से इसी को हम लोग बारी बारी से हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं अपना जो विचार है रखे हैं। और सबका ये भी कहना है कि भाई इतने दिनों तक हम यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग केशकाल विधानसभा में 10 साल हो गया कि हम लोग विपक्ष में हैं, और सबकी एक मंशा है कि स्थानीय किसी भी जो भी व्यक्ति है उन्हें स्थानीय को प्रत्याशी बना जाए, और किसी इसमें मतभेद नहीं होगी और एक एकजुटता के साथ लड़ेंगे, और क्योंकि कंटिन्यू हम लोग चाहे वो मंडल के बैठक में हो सब लोग साथ में रहते हैं, चाहे वो जिला के बैठक में साथ में, किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, लेकिन कुछ कुछ हर विधानसभा का एक कोई ना कोई समस्या रहता है, तो उस समस्या को हम लोग कैसे निपटें बोल के हम लोग मार्गदर्शन के लिए आए थे। तो यहाँ पर भी बैठक में जैसे कई लोग नाराज थे कि कुछ प्रत्याशी को लेके कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए, बाहरी नहीं होना चाहिए, ऐसी सब बातें आ रही थी, तो और रमन सिंह जी ने एक घोषणा की है कि एक पूर्व आईएएस को वहाँ पे भी सामने आ रहा है कि नाम आ रहा है कि उनको टिकट देने की बात हो रही है कि उनका नाम घोषित किया गया है, ऐसी सब बातें आ रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का किस पार्टी कभी भी किसी को घोषित नहीं करती, इस संगठन का मामला है, संगठन केंद्रीय नेतृत्व का जो हमारे संगठन का मामला है, उनको वो जिनको भी अपने ऐसे करेंगे उन्हीं को होता है। व्यक्ति ये सिंगल कभी तक आज तक नहीं निकाला है, हम उनको जानकारी है। तो यहाँ पे जैसे अभी जो है एक बात ये भी आ रही है कि रमन सिंह जी ने आपके लोगों की बातें सुनी, लेकिन कोई अभी प्रत्युत्तर में कोई अभी जवाब नहीं मिला है, तो आप लोगों को क्या इसको लेकर संगठन में भी आप लोग कुछ बातें रखेंगे या इसको आला कमान तक ले जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी संगठन की बात हो, जैसे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है ना भाई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है तो हम और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो तो पूरा छत्तीसगढ़ के बारे में एक एक चीज़ को नस नस को जानते हैं, तो हम लोग ने बस अवगत करवा देंगे, हम किसी के पास ना हम लोग, मैं पूर्व में भी कहा, आप लोग सुने भी होंगे, हम विरोध करने नहीं आए हैं, है ना, और वहाँ का विधानसभा का जो परिस्थिति है उनको बताने आए हैं, और जितने भी भाई लोग हैं और सबका ये कहना है कि भाई किसी स्थानीय को वहाँ से टिकट दे मिल जाए, ताकि कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं और किसी न किसी आस रहता है, एक अनुसूचित क्षेत्र होने की वजह से कई कि उनका स्थान मिले, इस प्रकार का सबके मन में रहता है, ताकि उन्हें। तो जैसे आप एक वरिष्ठ वहाँ पे हैं और काफ़ी जो है साल लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और लगभग लगभग ज़मीनी स्तर पर काफ़ी अच्छा आपका एक वर्चस्व है और नाम है, उसके बाद भी अगर भाजपा संगठन किसी ऐसे को टिकट दे दे जिसको स्थानीय ना समझा जाए या
वो पूर्व में जैसे आईएएस का नाम आ रहा है, तो ऐसे में आप लोगों की क्या जो है योजना होगी और क्या आप उसमें सहमत हो पाएंगे? देखिए जी, अगर स्थानीय स्तर पर हमारा कोई भी भाई बंधु को पार्टी अगर प्रत्याशी बनाता है तो हम खुशी खुशी काम करेंगे, और उन अगर टेकाम को भी मिलता है तो काम करेंगे, लेकिन दुखी मन से करेंगे, इससे ज़्यादा और क्या बोलूं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी हालात में हो भाजपा के साथ ही रहेंगे? नहीं, आप जा कहाँ सकते हैं, है ना, लेकिन दुखी मन से करेंगे तो क्या संगठन इस बारे में विचार करेगा कि अपने उससे कार्यकर्ता दुखी मन से काम करे? अब प्रश्न तो वही है कि हम तो अपने मतलब जीवन के 25 साल 27 साल पार्टी को दिए हैं, अगर उसका मूल्यांकन नहीं है तो अपन क्या कर, मूल्यांकन करता की गलती है। मैं राजेंद्र नेताम, पूर्व जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, जिला कोंडागांव। जैसे कि आप मंडल अध्यक्ष हैं तो आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, खासतौर पर नौयुवा के लेकर, और आप एक नौयुवा दिख भी रहे हैं, तो नौयुवा वर्ग का अभी क्या रुझान है और क्या वो अभी बाहरी प्रत्याशी को समर्थन देने के मूड में है? जैसा कि आपने कहा कि युवकों में तो लगातार इस 4.5 साल में कांग्रेस की जो स्थिति है, युवक अच्छी तरह समझ गए हैं। रही बात केशकाल विधानसभा में, एक आईएएस जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के बाहर है, रही बात हमारे विधानसभा में आदिवासी वर्ग में मुरियागुण और दुरुगुण दो जनजाति होते हैं। अब ये दोनों जनजाति के बाहर के हैं आदिवासी, लेकिन हमारे क्षेत्र के नहीं हैं। सबसे पहला विषय तो यही आएगा हमारे क्षेत्र में, अगर बाहरी प्रत्याशी को बनाते हैं तो सामाजिक जातिगत जो रणनीति होता है वो तो आ भी रहता है। इसलिए हम आज डॉक्टर साहब अपने उपाध्यक्ष जी से मिलने आए थे, यही अवगत कराने आए हैं कि बाहरी प्रत्याशी को अगर केशकाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देते हैं तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि वहाँ पर हमारे वहाँ के भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आदिवासी समाज के वर्ग के लोग हो, उसका सपोर्ट करेंगे। इसका खामियाजा जिस तरह से आज के दिन में दिख रहा है वो आने वाला समय में ना दिखे, यही हम लोग यहाँ बोलने आए थे। और दूसरी बात, जब ये वहाँ पर कलेक्टर रहे, उसके कार्यकाल में लगातार बहुत बड़ी बड़ी जो घटनाएं घटी, जैसे अरंडी कांड जो आज पूरे जगह में माहिर है, माँ जान रहे हैं, उसका कारण भी यही है। ये सब बातों को हमने अवगत कराया है ताकि विधानसभा क्षेत्र केशकाल हम जीत के आए और हमारे कार्यकर्ताओं के अनुरूप वहाँ का प्रत्याशी बनाएं। जैसे कि अभी सर्व आदिवासी समाज जो है वो लगातार कांग्रेस से और गोंडवाना समाज कांग्रेस से भी बाइकआउट कर गया है, तो ऐसे में भाजपा से अगर भाजपा स्थानीय लोगों को वरीयता नहीं देगा, जबकि भाजपा के पास एक अच्छा चांस था, तो क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा इस चीज़ को अच्छे से भुना सकती थी? सर्व आदिवासी समाज भी तो आज के दिन में उतना है नहीं, कांग्रेस का भी टीम है। आज अरविंद नेताम का क्या है, खुद अपना पार्टी बना के रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के लोग सब आज भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तैयार हैं। रही बात हम जो कह रहे हैं, बाहरी प्रत्याशी वहाँ पर किसी प्रकार के किसी को स्वीकार नहीं होगा, ये आज हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं। रामेश्वर उसेंडी, मंडल अध्यक्ष, केशकाल। आप नगर की स्थिति से अच्छे से वाकिफ, ऐसे में जो है एक बाहरी प्रत्याशी की बात हो रही है, तो क्या आपको नहीं लगता भाजपा को उसका नुकसान हो सकता है? जरूर नुकसान हो सकता है, और इस बात को हमारे आपके सामने बारी बारी से बोले हैं कि चार मंडल के लोग यहाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सब का मांग है स्थानीय कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया जाए। और मैंने डॉक्टर साहब को हाथ जोड़ करके निवेदन किया हूँ सबकी तरफ से कि स्थानीय कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया जाए। तो क्या आपको लगता है कि आपकी मांग से जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी सहमत होंगे? अब उनकी सोच विचार हमने पूरा जो बताना था, केशकाल विधानसभा का स्थिति जीतना है तो स्थानीय कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया जाए। गणेश दुग्गा, नगर पंचायत अध्यक्ष, फरसगांव, कोंडागांव जिला, केशकाल विधानसभा।